आमतौर पर देखा जाता है फर्ज नमाज पढ़कर लोग बैठे रहते हैं, उंगलियां पढ़ते हैं, कुछ वजीफा करते हैं, फिर उठ के सुन्नत पढ़ते हैं। ये ज्यादा बेहतर अमल नहीं है। जिन नमाजों के बाद मुअक्कत सुन्नतें हैं, जैसे जोहर के बाद दो, मगरिब के बाद दो, ईशा के बाद दो, सुन्नतों के बाद उंगलियां पढ़ी जाए और तस्बीहात की जाए, ये पसंदीदा अमल है। जो लोग फर्जों के बाद बैठकर और फिर अपनी मर्जी से उठकर सुन्नत पढ़ते हैं, वो सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, सुन्नत फौत हो गई, सुन्नत का उन्होंने नफलों के लिए कत्ल कर लिया। और दूसरा कौल ये है कि अगर ये सुन्नत भी है तो खिलाफ सुन्नत तरीके से पढ़े जा रहा है, इसलिए इस वबाए आम से बचना भी बहुत जरूरी है।